अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असद जहांगीर शाह है। पेशे से मैं एक वकील हूँ और मैं व्लॉग रोज़ाना की बुनियाद पर कोशिश करता हूँ बनाने की, लेकिन बनते नहीं हैं। लेकिन आज मैं बनाने जा रहा हूँ। आज हम गए स्टोव क्लब। ये गुलशन इकबाल के अंदर मेट्रो से थोड़ा सा आगे उसके अपोजिट वाले रोड के ऊपर इब्ने सिना हॉस्पिटल के बराबर में पड़ता है। तो रास्ते में मैं स्लोली स्लोली पहुँचा। जब मैं पहुँचा तो वहाँ पर पार्टीशन थे लगे हुए और लोग सारे वहाँ पे बैठे हुए थे। वहाँ पे स्टोव क्लब जो है शटर लगा हुआ था उस पर, लेकिन उसके आगे पीछे इस पार्टीशन दिए हुए थे। फैमिली का अच्छा बैठने का निज़ाम था और छड़ों का अलग था। तो हम जाके फैमिली पार्टीशन में जाके बैठ गए। अब आप ये देख सकते हैं ये शटर लगा हुआ था। यहाँ पर मैंने एक पिक्चर ले ली। मैं अपने बच्चे के साथ वहाँ बैठ गया और बैठने के बाद मेरी बेटी ने इधर उधर का मुआयना करना शुरू कर दिया। मेन्यू आया, मेन्यू चेक किया, तो ऑर्डर में मैंने कढ़ाई, चीज़ कढ़ाई इनकी बड़ी ज़बरदस्त होती है, वो ऑर्डर की। साथ में नान, रोगनी नान और पास्ता अल्फ्रेडो ऑर्डर किया, जो कि बड़ा सस्ता है, ज़्यादा महंगा नहीं है। 1000 रुपये का पास्ता है और वो भी कोई 1400 रुपये की है, इससे ज़्यादा नहीं। मेरे बच्चे ने उसी दौरान में ये जो इस खाने पर नाकाम कोशिश की झपटने की, लेकिन मैंने उसको रोक दिया। छोटे बच्चे को आपको ये चीज़ें नहीं खिलानी चाहिए। खैर, हमने खाया लेकिन इतना मज़ा नहीं आया। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ये ट्राई ज़रूर करें। अच्छी जगह है, फैमिली की जगह है, सर्विस बहुत अच्छी है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, आपका ख्याल करते हैं हर तरह से और फौरन सर्विस देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं चीज़ कढ़ाई और हमने खूब मज़े से खाई। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।